नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो उसने देश का नाम रोशन किया, पैसे, ताकत और शोहरत हासिल की, लेकिन किसी को क्या पता था कि एक चैंपियन के पीछे बड़ा अपराधी छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार की। सुशील कुमार पर उनके ही साथी पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। सुशील कुमार पुलिस के निशाने पर है, पुलिस उनकी जगह जगह पर तलाश कर रही है, लेकिन मैदान में ताल ठोकने वाला पहलवान अब मैदान से भाग खड़ा हुआ है। जब से सुशील कुमार पर हत्या का आरोप लगा है, वो अंडरग्राउंड है। दिल्ली पुलिस ने सुशील पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं सुशील कुमार के अलग अलग जगहों से मिल रहे इनपुट के मुताबिक वो कहीं मेरठ में होते हैं तो कहीं उत्तराखंड में भी होते हैं। पुलिस को उनके दिल्ली में होने के भी इनपुट मिले हैं। सुशील कुमार पर कई गैंगस्टर से सांठगांठ के आरोप है। उसने अखाड़े की आड़ में कई गैंग के गुर्गों को पाला था। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखाड़े का चैंपियन कानून के आगे बेदम है? ओलंपियन क्या अब अपराध का चैंपियन बन बैठा है? तो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस कई दिनों से ओलंपियन सुशील कुमार की तलाश कर रही है। वहीं अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार का लोकेशन पंजाब में मिला है। पुलिस की माने तो सुशील की लोकेशन पंजाब के भटिंडा में पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमों को उनकी तलाश में लगा दिया, जो सुशील को पकड़ने के लिए हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में छापेमार कार्रवाई कर रही है। वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील कुमार ने हाल ही में रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आखिर कैसे शुरू हुई एक पहलवान की क्रिमिनल बनने की कहानी? क्यों पहलवान सुशील भागा भागा फिर रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। पहलवानी करते करते बन गया क्रिमिनल। कहां छुपा है सुशील कुमार? क्या पंजाब के भटिंडा में है? दिल्ली पुलिस कर रही तलाश। सागर धनखड़ मामले में है आरोपी। निचली अदालत से रिजेक्ट होने के बाद सुशील कुमार अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन वह कहां है पुलिस अभी पुख्ता रूप से कुछ नहीं बोल पा रही है। इस वक्त हम छत्रसाल स्टेडियम के बाहर ही मौजूद। दरअसल यहीं से जो पूरी लड़ाई है वो शुरू हुई थी 4 तारीख की लेट नाइट, जिसमें ये आरोप है कि जो सुशील कुमार है और उसके साथियों ने धनखड़, जो सागर धनखड़ है, उसकी हत्या की और उसके बाद यहाँ से फरार हो गए। पुलिस ने सिलसिले में एक आरोपी प्रिंस दलाल को गिरफ्तार किया है। कुल 9 आरोपियों के खिलाफ NBW इशू कर दिया, यानी सारे आरोपी अभी तक फरार है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। हालांकि ये भी जांच में बात सामने है कि उसने कई मोबाइल जो है वो चेंज किए, इस दौरान एक बाबा की शरण में भी रहा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या मामले में फरार चल रहे सुशील कुमार को काला जठेड़ी गैंग से खतरा है। कभी जो गैंग उसके छत्रसाल स्टेडियम में शह पाता था, आज उसी गैंग से सुशील को जान का खतरा है। सुशील की तलाश इन दिनों काला जठेड़ी गैंग को भी है। दरअसल 4 मई की रात को सुशील और उसके साथियों ने सागर की तो पिटाई की थी, उसके साथ ही एक सोनू नाम के शख्स को बुरी तरह घायल कर दिया था। बाद में यह बात सामने आई कि सोनू गैंगस्टर काला जखेड़ी के सगे मामा का बेटा है। यही वजह है कि सुशील से साठ गांठ रखने वाले काला जखेड़ी गैंग के गुर्गे उसकी जान के दुश्मन बने हैं। सुशील पहलवान की कई गैंगस्टर से साठ गांठ सामने आई है। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि गैंगस्टर्स के गुर्गे छत्रसाल स्टेडियम में आते थे। पुलिस ने बताया कि सुशील कुमार की गैंगस्टर काला जखेड़ी व लॉरेंस विश्नोई से साठ गांठ सामने आई है। वह इन गैंगस्टर व उनके गुर्गों को शह देता था। सागर की हत्या होने के बाद पहली बार सुशील एक टोल के CCTV कैमरे में दिखाई दिया। इसमें वह एक कार में एक अन्य शख्स के साथ बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह फुटेज उस दौरान का है जब घटना के बाद वह उत्तराखंड की ओर जा रहा था। तकनीकी सर्विलांस में भी उसके उत्तराखंड की ओर जाने की बात सामने आई थी, लेकिन इस फुटेज से भी पुलिस को कोई खास मदद नहीं मिल पाई है।
क्या वह दिल्ली एनसीआर में छुपा है या कहीं और, इसकी जांच की जा रही है। अभी जिसके वो साथी था, अब वो गैंग काला झटेड़ा वो इसके पीछे पड़ गया, यानी कि तमाम अब चीजें हैं जो पुलिस एक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई सारे सिम यूज करने के एक तरह से कहा जाए पेशेवर अपराधी की तरह वो बिहेव कर रहा है, यानी कि ये तमाम चीजें पुलिस के पास हैं, लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर, लेकिन अभी भी सुशील कुमार का कुछ भी पता नहीं है। यही वो छत्रसाल स्टेडियम है जहाँ से पूरा पार्किंग लॉट में पूरा झगड़ा शुरू हुआ था 4 मई की रात को, और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, इसमें कई पहलवानों के नाम भी सामने। बहरहाल अभी तक सुशील कहाँ है ये नहीं पता है, इसको लेकर जाँच लगातार की जा रही है। कैमरामैन कमल के साथ चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं पुलिस के मुताबिक पहलवान सुशील बार बार लोकेशन बदल रहा है। वो कभी जिस काला जठेड़ी गैंग को शह देता था वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। डर की वजह से पहलवान सुशील कुमार भागा भागा फिर रहा है। पुलिस के साथ साथ सुशील की तलाश इन दिनों काला जठेड़ी गैंग को भी है। दरअसल 4 मई की रात को सुशील और उसके साथियों ने सागर धनखड़ की जो पिटाई की थी उसके साथ ही एक सोनू नाम के शख्स को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। बाद में ये बात सामने आई कि सोनू गैंगस्टर काला जठेड़ी के सगे मामा का बेटा है। यही वजह है कि सुशील से सांठगांठ रखने वाले काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे उसकी जान के दुश्मन बने हैं और सुशील कुमार अंडरग्राउंड है। रिपोर्ट देखिए। बार बार लोकेशन बदल रहा है सुशील कुमार, कई सिम का इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब के भटिंडा में भी लोकेशन आई थी, उत्तराखंड में भी लोकेशन आई थी। हाई कोर्ट में लगाएगा बेल एप्लीकेशन। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर की हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार कई लोकेशन बदल चुका है। सुशील कुमार की लोकेशन भटिंडा में मिली थी, इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम उसे खोजने के लिए यहां भटिंडा पहुंची। पता चला कि सुशील अपने ममेरे भाई के नाम पर जारी की गई सिम इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बाद से वो फरार है। मर्डर केस में फरार चल रहे सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। इसके साथ ही उनके पीए अजय की सूचना देने पर भी 50,000 का इनाम है। सुशील और अजय के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। पता चला है कि मर्डर केस में वांटेड पहलवान सुशील की लोकेशन भटिंडा में मिली थी। सुशील कुमार द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा मोबाइल सिम भटिंडा के बीड़ रोड के रहने वाले सुखबीर सिंह बराड़ के आधार कार्ड पर जारी हुआ है। यह सिम सुखबीर सिंह बराड़ के मामा के बेटे अमन ने सुशील को दिया था। फिलहाल अमर फरार है। दिल्ली पुलिस सुखप्रीत सिंह बराड़ से इस सारे मामलों में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस के मुताबिक 4 मई को रात 1:15 और 1:30 के बीच छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पहलवान के दो गुटों में झड़प हो गई। इसी दौरान फायरिंग भी हुई, इसमें 5 पहलवान जख्मी हो गए। इसमें सागर, सोनू, अमित कुमार और अन्य 2 पहलवान शामिल थे। सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का बेटा था। ये झगड़ा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुआ था। पुलिस के मुताबिक सागर और उसके दोस्त जिस घर में रहते थे सुशील उसे खाली कराने का दबाव बना रहा था। फिलहाल पुलिस की पूरी कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं सागर धनखड़ की हत्या के बाद से सुशील कुमार की एक फोटो सामने आई। दावा किया जा रहा है कि यह फोटो मेरठ के टोल प्लाजा की है और पहलवान सुशील के साथ एक दूसरा शख्स नजर आ रहा है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस इस फोटो के आधार पर शक जता रही है कि सुशील कुमार उत्तराखंड जा सकता है। सवाल वही है कि आखिर सुशील कुमार कहाँ है, यह सवाल पुलिस के लिए भी पेचीदा होता जा रहा है। कई टीमों के गठित करने के बाद भी सुशील कुमार पुलिस के हाथ नहीं लग रहा। रिपोर्ट देखिए। सुशील कुमार की तस्वीर आई सामने। गाड़ी में बैठा नजर आ रहा सुशील कुमार, मेरठ टोल की है तस्वीर। प्रिंस दलाल गिरफ्तार, अभी 9 आरोपी फरार। सुशील कुमार का नाम भी शामिल।
दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा सकी है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1,00,000 का इनाम रखा है। वे इस मामले में नाम आने के बाद से फरार चल रहे हैं। पहलवान की वारदात के बाद की पहली तस्वीर सामने आई है, जब सुशील मारपीट के बाद फरार हुआ था। सुशील कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसको ढूंढने की तमाम कोशिश की जा रही है। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें सुशील कुमार नजर आ रहा है। दरअसल ये तस्वीर मेरठ टोल की है। तस्वीर में सुशील पहलवान एक कार में एक शख्स के साथ बैठा दिखाई दे रहा है। जिस कार में सुशील दिख रहा है, ये तस्वीर छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट की घटना के बाद की है, जिसमें सुशील कुमार बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर 6 मई की है। पुलिस के मुताबिक ये तस्वीर मेरठ टोल की है। दिल्ली पुलिस इस तस्वीर के आधार पर उस कार की तलाश भी कर रही है, साथ ही कार को ड्राइव कर रहे शख्स की भी तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस को शक है कि इस तस्वीर में दिख रहे ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने सुशील को छुपाने में मदद की है। पुलिस को शक है कि इस कार का इस्तेमाल सुशील ने छिपने में किया और इस कार से सुशील घूम रहा है। स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के अलावा दिल्ली पुलिस की कई टीमें सुशील की तलाश कर रही है। सुशील पर 1,00,000 का इनाम भी रखा गया है। 5 मई को छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के पहलवान सागर राणा की हत्या कर दी गई थी। कमरे में कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि हत्या में सुशील कुमार शामिल था, तभी से वो फरार चल रहा है। सुशील कुमार और उसके करीबियों के घर पर छापेमारी की गई, लेकिन सुशील कुमार का कोई सुराग नहीं मिला। सुशील पहलवान कहाँ है, इसको लेकर जाहिर तौर पर तमाम पुलिस जो है उसके पीछे पड़ी है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। कभी वो उत्तराखंड में होता है, कभी वो एक टोल पर एक ग्रैब दिखती है जिसमें नजर आता है मेरे टोल पास करते हुए, और कभी वो किसी बाबा की शरण में होता है। और पुलिस जो है तमाम कोशिश कर रही है उसको पकड़ने की, लेकिन अभी सफल नहीं। सुशील ने साल 2008 के ओलंपिक खेलों में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। फिर 2012 के ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता था, जिसे राष्ट्रपति ने साल 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। वो पहलवान आज हत्या के आरोप में पुलिस से भागता फिर रहा है। चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी। तो पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, साथ ही पुलिस सागर धनखड़ की हत्या किस इरादे से की गई ये भी तलाश रही है। क्या हत्या की वजह प्रॉपर्टी का विवाद था या कोई और वजह? आखिर क्यों सागर धनखड़ की बेरहमी से हत्या की गई? पुलिस किन किन वजहों के आधार पर केस में आगे बढ़ रही है, देखिए। सुशील कुमार को ढूंढ रही है दिल्ली पुलिस। 3 वजह हो सकती है हत्या की। प्रॉपर्टी विवाद के चलते ली धनखड की जान। क्या हत्या करने के इरादे से ही आए थे सुशील कुमार? वो कौन गुरु हैं जिसकी शरण में उत्तराखंड गए थे सुशील कुमार? पुलिस लगातार सुशील कुमार को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी NBW जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी का कोई पता नहीं है। दरअसल पुलिस 3 वजह मान रही है इस हत्याकांड के पीछे। पुलिस के मुताबिक उसके पास सुशील कुमार के खिलाफ हत्या में शामिल होने के ठोस सबूत हैं। यही वजह है कि सुशील कुमार पुलिस से भाग रहा है। हालांकि पहलवान सागर धनखड की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे फिलहाल 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहलवान सागर धनखड और सुशील कुमार के बीच पैसों को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से संभव है कि सागर की हत्या कर दी गई हो। सागर पहलवान सुशील कुमार के पत्नी के मकान में किराए पर रहता था और सुशील कुमार ने उन्हें ये मकान खाली करने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन सागर धनखड इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद दोनों में टकराव बढ़ गया और इसीलिए हत्या का कारण ये भी हो सकता है। और तीसरा कारण गैंग राइवलरी माना जा रहा है। सागर धनखड की हत्या के साथ इस हमले में घायल हुआ उसका दोस्त सोनू एक खतरनाक गैंग से जुड़ा हुआ है और पुलिस ने यह भी बात मानी है। इसीलिए इस हत्याकांड की जांच गैंग राइवलरी के पहलू से भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।